मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है अभी फ्रेश है जी अभी का ही है ताजा ही है कुछ दिन पहले का है वैसे तो मेरे को बाबा के ज्ञान गंगा में आए हुए सिर्फ़ तीन या साढ़े तीन ही महीने हुए होंगे बट मैं अम्बाड़ा में सन सन बाणवा में क्लिनिक चलाता था और मेरा जो है आना जाना बस स्टैंड से और क्लिनिक से ब्रह्मा कुमारी आश्रम कंच घर के सामने से होता था और कभी कभार मैं उस आश्रम में चला जाया जाया करता था आते जाते उतनी अटैचमेंट तो थी नहीं लेकिन एक जिज्ञासा ज़रूर होती थी कि मेरे को इस आश्रम में जाना है और यहाँ से कुछ न कुछ लेके जाना है ऐसी ज्ञान कलेक्ट करने की मेरी शुरू से आदत रही है उसके बाद जो है सारा गैप पड़ा रहा कभी मैं गया नहीं एक दो शिविर यहाँ पे लगे हैं रायपुरी में शिव मंदिर के पास उनमें मैं ज़रूर जाता था बाबा की प्रदर्शनी लगी है वो ज़रूर मैं देखता था ज़रूर वहाँ पे जाना होता था मेरा और उसके बाद जो है अभी अभी फरवरी में माउंट आबू में योग भट्टी थी बिलासपुर से एक नरेंद्र नाम की लड़की है वो एन एम लगी हुई है मौलाना में धनौरा में वहीं उनके पास मेरी सिस्टर भी लगी हुई है उनके पास सिस्टर के पास मेरा आना जाना होता था कभी कबार दो चार बार मैं गया हूँ तो वो परमानेंट नहीं थी नरेंद्र जी वहाँ पे तो उन्होंने सिस्टर को बोला कि मैंने एग्ज़ाम दिया है एएनएम का और स्टाफ नर्स का भी आपके भाई की जानकारी है पॉलिटिकल लोगों से है मुलाकात आपके भाई की है अच्छी तो कहीं मेरा काम हो जाए तो पूछना उनसे तो उन्होंने मेरे को बताया बोला कि भैया ऐसे है भी मेरी जो है मेरे से ऊपर हैं और मेरी उनके साथ अच्छी बनती है दे दिया मेरी मैं क्या अच्छा कह रहे अगर उनका काम कहीं बन सकता हो तो देख लो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है एन का और स्टाफ नर्स का तो मैंने कहा मैं बात कर लूँगा एस बोर्ड के चेयरमैन है मिस्टर भोपाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं उनसे बात की उन्होंने कहा भी चलो हो जाएगा काम तो उन्होंने यश तो कर दी लेकिन वो काम नहीं होता है जी ठीक ढंग से नहीं होता किसी और का और एक काम और दिया था वो हो जाता है और जब इनकी बारी आती है तब वो कह देते हैं कि सीएम ने हमारे ऊपर सिक्योरिटी लगा दी है आपने अब मेरे ना ऑफिस में आना है ना मेरे को फ़ोन करना है ना मेरी कोठी पर आना है किसी अलग प्रोग्राम में मिलेंगे वहीं बातचीत होएगी तो उसके बाद क्या होता है एग्ज़ाम देते हैं कागजों की इनकी वो काट छाँट होती है मेरे को बोलते हैं कि आपने करी है भैया बात मन ने कहा करी तो है कर रखी है पहले तो पक्की थी लेकिन अब उन्होंने ये बात कह दी है मेरे को नहीं पता अभी आपका काम होगा या नहीं होगा कह नहीं सकता लेकिन उसके साथ उनके साथ मैं जाता रहा हूँ जब उनके कागजों की काट छांट हुई तो जाता रहा उसके बाद ए एन एम का रिजल्ट आता है उनका काम नहीं होता उसमें रिज़ल्ट में आता नहीं उनका नंबर नहीं पड़ता तो फिर वो बोलते हैं कि भैया देख लो कोई और हो तो मैं किसी अपने और किसी फ्रेंड से बात करता हूँ तो उन्होंने छः लाख रुपये उनके मांगे हैं पाँच पहले वालों ने मांगे थे और छः उन्होंने मांगे हैं मैंने बोले नरेंद्र छः लाख रुपये बोल रहे हैं भी देख लो आप तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की वो कह उन्होंने जवाब दे दिया करे मेरे पास तो पैसे है नहीं तो उन्होंने बोला भाई भैया तो ऐसे कह रहे हैं भाई गुरजीत जी तो मेरे पास पैसे नहीं मैं कहा नरेंद्र अगर कुछ होता हो अगर आपका काम बनता हो चलो जितना मेरे पास आ रहा है उतना तो मैं कर दूँगा थोड़ा बहुत तो कर दूँगा बाकी पूरा तो नहीं मैं कर पाऊँगा लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं होता जी और वो कह देते हैं भी पैसे का तो इंतज़ाम नहीं फिर मेरा भी मेरे मुंह से भी यही बात निकलती है मैं कह भी ऐसा करो नरेंद्र बाबा के सिर पे छोड़ दो छोड़ दो आप इसको इसके इस टॉपिक पे बात ही ना करो आप छोड़ दो सिलेक्शन होनी होगी तो उनके नाम से हो जाएगी वो कर देंगे नहीं होनी होगी तो अगली बार का मेरा आपसे वादा रहा अभी मैं आपका पैसा भी नहीं लगने दूँगा और मैं काम भी ज़रूर कराऊँगा तो ऐट लास्ट बीस पच्चीस दिन के बाद अभी अभी रिज़ल्ट आता है तो सबसे पहले उनका मैसेज मेरे पास आता है वो कहते हैं कि भैया सलेक्शन होगी और उनको उन्होंने अपना रोल नंबर वगैरह सारा कुछ भेज दिया मैं क्या होगी कह रहे हाँ मैंने कहा बहुत अच्छा है मैं कॉन्ग्रेचुलेसन हाँ जब से मैंने उसको ये बोला था कि आप बाबा पर छोड़ दो तब से मैं मॉर्निंग विश करता था कभी वो कर देते हैं मेरे को कभी मैं कर देता हूँ मैं हमेशा उसको ओम शांति लिख के मॉर्निंग विश करता हूँ और चरण वंदन लिखता हूँ मैं उसको और हमेशा मैं ये कहता था कि नरेंद्र मेरे को बस यही खुशी है आपकी कि आपका पक्का रोजगार लग जाए बाबा ये काम कर दें बस इससे बढ़ कोई खुशी नहीं ये मेरे हर रोज़ की रूटीन थी कि आपका रोज़गार बाबा पक्का कर दें तो बस इससे बढ़ कोई खुशी नहीं तो जब उसका रिजल्ट आता है तो तब वो पहले मेरे को यही मैसेज करती है कि रहे कह रहे आपकी जो है दुआ ने बहुत काम किया है आप शुरू से कर रहे हैं आप मेरी तो कोई होप नहीं थी क्योंकि मैंने एक दो से और से बात की है उन्होंने दस दस लाख रुपये हमारे से मांगे हैं कह रहे मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कह रहे हमारे से, से तो नौकरी हो गई नहीं कर ही नहीं पाएंगे हम नौकरी हम दस लाख रुपये जुटा ही नहीं पाएंगे इसके लिए कह रहे मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कह रहे ये सिर्फ आपने एक उम्मीद रखी हुई थी आप हर रोज़ मेरे को बोलते थे कि बाबा आपका रोज़गार पक्का कर दें इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं और बाबा ने वो रोज़गार पक्का किया है अभी बीस दिन बाईस दिन की बात है कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है और उसके जब योग भट्टी होनी दी थी जी, वो बिलासपुर से चलते हैं जी तो सढ़ौरा में फंस जाते हैं एक दिन पहले मेरे को बोलते हैं वो कि अगर मैं रायपुरानी से जाना है भैया आपके यहाँ से सेंटर से मैं क्या कहाँ जाना कह रहे कैंट जाएंगे और वहाँ से कह रहे हैं हम माउंट आबू जाएंगे मैं क्या ठीक है जी तो मैं क्या मैं अरेंज कर देता हूँ वहाँ पे आपका रहने का तो मैंने यहीं आसपास रेंज भी कर दिया उनका तो उन्होंने बोले नहीं हम बतौड़ में जाएंगे बतौड़ से हैं मेरी कोई फ्रेंड है और उनके घर जाएंगे तो मैं क्या ठीक है अगले दिन मैं चंडीगढ़ था और उनका मेरे पास फ़ोन आता है ग्यारह बजे कह रहे हैं हम दो बजे बिलासपुर से निकलेंगे दो बजे वो निकलते हैं और सठौरा में आके फंस जाते हैं बच्चे बहुत आते थे बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा थी उनके पास सामान था वो कहते भाई भैया हम फंस गए हैं यहाँ पे और शाम हो गई है पाँच छः बज गए थे फरवरी के महीने में बोले कि मेरे को आप अगर ले ले जा सकते हो हम दो हैं और दो हमारे साथ बच्चे हैं भी अगर आप ले जा सकते हो वहाँ तक बरवाड़ा तक तो देख लो तो मैंने चार पा, पाँच बजे आके मैंने गाड़ी के बारे में देखा आगे मैं किसी और ने गाड़ी फंसा रखी थी उसको भी देखा मैंने कहीं से पता नहीं लगा भी किसकी गाड़ी है तो काफ़ी टाइम अं, काफ़ी अंधेरा हो चुका था तो तब मेरे को गाड़ी निकली और उनके बार बार फ़ोन आते रहे कि भैया आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो आप ये बता दो कि हम तो फंस गए हैं यहाँ स्टॉपेज पे मैंने कहा नरेंद्र मेरे को टाइम लग जाएगा थोड़ा सा मेरे आगे गाड़ी फंसा रखी है ये मैं देखता हूँ किसकी है ये निकलवाता हूँ उसके बाद मैं जाता हूँ तो चलो वो गाड़ी मैंने देखी किसकी मोबाइल वाले की थी किसी को उसको निकलवाया और मैं ले उनको गाड़ी को चला गया उनको वहाँ छोड़ के आया योग भट्टी के लिए बरवाड़ा में रायपुरानी सेंटर से उनको जाना था तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने बोला ना उसको मैंने रास्ते में बोला मैं क्या नरेंद्र मैं भी जाना चाहता हूँ माउंट आबू में मेरे को बड़ी अच्छी जगह लगती है वो कहते हैं कि बाद में करेंगे इसकी बात मैं कोई बात नहीं जब वो आए वो करे भी आपने माउंट आबू जाना है मैंने कहा हाँ जाना है मेरी इच्छा है बहुत दिनों से है वो बोले कह रहे जी ऐसे तो आप जा नहीं पाओगे कोर्स करना पड़ेगा सात दिन का उसके बाद मैं रेगुलर आठ नौ दिन लगातार आया हूँ एक दिन मेरा मिस भी हुआ है उसमें और मैंने बड़ी लगन से वो किया है लेकिन अभी भी मैं बाबा के चरणों में रुला हुआ हूँ कहीं खोया हुआ हूँ उनकी नज़र मेरे पर नहीं पड़ी अभी भी क्योंकि मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ जब भी उनका आदेश होता है सिर्फ मैं तभी आ पाता हूँ तो ये एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये बाबा की जीती जागती मिसाल है जो हमने उनके ऊपर छोड़ी थी ओम शांति